आधार ओटीपी से आपने अकाउंट ओपनिंग किया तो केवाईसी कैसे करेंगे, आप लोग बहुत तकलीफ में हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वीडियो केवाईसी आप लोग कैसे कर पाएंगे और ऑनलाइन कैसे केवाईसी कर पाएंगे। तो आप केवाईसी करना चाहते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। तो वीडियो केवाईसी कैसे करना है वीडियो का एंड में बताऊँगा, यानी कि लास्ट में बताऊँगा। पहले बताऊँगा आप घर बैठे कैसे केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो, वो भी बिना बैंक जाइए। तो बैंक आपको जाना पड़ेगा, ऑनलाइन से केवाईसी आप कर सकते हो। 6 से 7 दिन के अंदर आपका केवाईसी सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुली केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और बाद में आप लोग कमेंट मत कीजिए, भाई आपने तो ये नहीं बताया, भाई आपने तो वो नहीं बताया। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए जिसका भी वीडियो हो, ओके। तो आप सभी से निवेदन है और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, ओके। ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद में आपको आप लोगों को सर्च करना है HDFC बैंक वीडियो केवाईसी। सर्च करने के बाद में आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आप लोगों को वेबसाइट दिख जाएगा HDFC बैंक का, देख ही सकते हो। केवाईसी अपडेट इन फ्रॉम फॉर इंडिविजुअल HDFC बैंक, ये वेबसाइट पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग HDFC बैंक का वेबसाइट पे आ जाओगे। तो आप लोग देख ही सकते हो आधार कार्ड से ये केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को ब्रांच विजिट करना नहीं पड़ेगा। 5 से 6 वर्किंग डे के अंदर आपका केवाईसी सबमिट हो जाएगा और आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है बैंक पे, वो मोबाइल नंबर पे आपको SMS आ जाएगा। तो पहले देना है कस्टमर आईडी और बाद में देना है अकाउंट नंबर और बाद में आपका नाम का जो टाइटल होता है वो सिलेक्ट करना है। बाद में देना है फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है तो दीजिएगा और लास्ट नेम दीजिएगा और पैन कार्ड का नंबर जो होता है वो दीजिएगा, ओके। देने के बाद में आप लोगों को आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा और इस पर क्लिक करना पड़ेगा। आधार नंबर है तो आपका पास, आधार नंबर नहीं है तो आप ये अकाउंट को केवाईसी नहीं कर सकते हो। तो नो पे क्लिक मत कीजिएगा, SS पे क्लिक कीजिएगा, ओके। आप लोग जो अकाउंट ओपनिंग किया था उस पर जो जो सिलेक्ट किया था इसमें भी सेम आप लोगों को सिलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट्स में देना है वोटर कार्ड, ओके। तो वोटर कार्ड को सिलेक्ट करना है और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और अभी जो आप लोग देख रहे हो कैप्चर कोड को देना है, ठीक है। देने के बाद में आप लोगों को सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इसी तरह का केवाईसी आप लोग कर सकते हो। तो 5 से 6 दिन के अंदर आपका मोबाइल नंबर पे SMS आ जाएगा, आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। आप इंडिविजुअल हो तो याद रखना ये बात, ओके। तो आप लोगों को दिखा दिया ऑनलाइन घर बैठे कैसे केवाईसी कर पाओगे HDFC बैंक पे, ओके। आधार OTP से अकाउंट ओपनिंग किया था तो अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ वीडियो केवाईसी आप लोग कैसे कर पाओगे। दोस्तों RBI ने ये वीडियो केवाईसी लॉन्च किया था क्योंकि बहुत आदमी ऑनलाइन से अकाउंट ओपनिंग करते हैं लेकिन केवाईसी करते नहीं, 1 साल के बाद में वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, इसलिए RBI ने वीडियो केवाईसी लॉन्च किया। आधार OTP से जितने भी आदमी अकाउंट ओपन करते हैं, तो हम लोगों को आसानी के लिए वीडियो केवाईसी लॉन्च किया तो बहुत बैंक ने वीडियो केवाईसी लॉन्च कर दिया। HDFC बैंक की तरफ से अभी भी कोई अपडेट नहीं है वीडियो केवाईसी कब तक लॉन्च होगा। मैं कस्टमर केयर से भी बात कर चुका हूँ लेकिन उन लोग भी बता नहीं सकते। जब वीडियो केवाईसी लॉन्च हो जाएगा HDFC बैंक का, आप लोगों को मैं अपडेट दे दूँगा। तो जिन लोग अकाउंट ओपनिंग करेगा न्यू उन लोगों की वीडियो केवाईसी कर पाएगा, वीडियो केवाईसी लॉन्च होता है तो HDFC बैंक की तरफ से, ओके। जो अपडेट बैंक की तरफ से था कस्टमर केयर से मुझे पता चला, वो अपडेट आप लोग को दे दिया, आप लोग अभी समझ सकते हो, ठीक है। आप लोग को यही दिखाना था और बताना था, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।